हेलो फ्रेंड्स, स्टडी डॉट कॉम आरजे में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए साइंस के बायोलॉजी का पोर्शन है ये। इसके टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर आपका एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, उस समय भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये हमेशा। तो ये बायोलॉजी के सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम को देखते हुए, ये क्वेश्चन मैंने लाया है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ होती है? वसा ऊतक में। कहाँ होती है? वसा ऊतक में। दूसरा क्वेश्चन है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किसके कारण कर पाता है? अपने कुंवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके वैसा कर पाता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किसका क्या होगा? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका है? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एंसोफिलाइटिस का कारक होता है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष युक्त ब्रिक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की क्रिया प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीन दुग्ध होता या होती है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों को मानव जैसी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एंसेफेलाइटिस से, मतलब स्वरों से ये रोग होता है इसी के कारण। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, कौन है? आरएसवी विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, मतलब किसमें अधिक पाया जाता है? आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाली विटामिन है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के उत्सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में।
रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। बढ़िया, पे शॉर्ट फॉर्म है हार्वे, विलियम हार्वे होगा। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 35 नंबर क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 39 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। 41 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 47 नंबर है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। 48 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 49 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों आप लोग के ये 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इसमें अगर कुछ गलती भी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं जो कहाँ पे क्या गलती था, जिसमें और भी वीडियो बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।